To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. Hello friends, welcome to my YouTube channel Versatile Ashutosh. आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिस्क के बारे में. What is risk? रिस्क होती क्या है? मैं बताता हूँ आपको. रिस्क एक्चुअली में कुछ भी नहीं होती. रिस्क क्या होती है? एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव फोर्स होता है हमारे दिमाग का, जो हम कुछ भी रूटीन टास्क से कुछ नया करने जाते हैं तो हमें रोकता है उससे. बस सीधी सी बात है, जब भी हम रूटीन प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ रूटीन टास्क कर रहे हैं, तो वहाँ में कुछ नहीं बोलेगा हमारा दिमाग. जैसे हम कुछ रूटीन टास्क हटकर कुछ नया करने जाएंगे तो हमारा बोलेगा, हमारे दिमाग से आवाज़ आएगी कि यार रिस्की है, काम बहुत रिस्की है. सीधा सा छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ले चलता हूँ कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि घर में हम सब्जी बनाते हैं तो एक नाइफ से जब हम सब्जी को कट करते हैं तो वो भी रिस्क है. देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी रिस्क है. हो सकता है कि अब जब छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों को हम नाइफ नहीं देते हाथ में. क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वही उंगली कट जाएगी. बट हम उसी नाइफ को हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर उससे सब्जी कट करते हैं. बट कभी कभी हमारी उंगली कट भी जाती है. बट उसको हम ऐसा नहीं मानते कि रिस्की है, हम उसको मानते हैं रूटीन प्रोसेस है, कभी कभी हो जाता है. बट इसका मतलब नहीं हम सब्जी कट करना ही बंद कर देंगे. हम उसको रूटीन प्रोसेस मानते हैं कि ये रूटीन प्रोसेस है, कभी कभी लग जाती थोड़ी बहुत. हम घर में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं. हमारे घर में बहुत बड़ा सिलेंडर लगा हुआ रहता है. कहीं कहीं किन घरों में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लास्ट हो गया तो सबके घर में ब्लास्ट हो जाएगा. हम उसको रूटीन प्रोसेस मानते हैं कि नहीं यार ये कभी कभी किसी घर में हो जाता है, कभी कभी स्मेल भी आती है सिलेंडर से, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लास्ट हो जाएगा. हम उसको रूटीन प्रोसेस मानते हैं कि कुछ भी नहीं होगा. हम ये मान के चलते हैं कि कुछ भी नेगेटिव सोचते ही नहीं हम. पहली चीज, हम नेगेटिव सोचते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं कि सिलेंडर लगा हुआ कुछ भी नहीं है, आराम से रोज घर में खाना बना रहे हैं, सब्जी भी कट कर रहे हैं, रूटीन प्रोसेस है ये. यहाँ पे रिस्क जैसा कुछ भी नहीं है. बट देखा जाए तो सब दूर रिस्क है. नाइफ से कट करना भी रिस्क है, सिलेंडर घर में लिक्विड पेट्रोलियम इन्फ्लेमेबल है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, उसको घर में रखना वो भी रिस्क है. बट हम उसको रिस्क मानते ही नहीं ना हम. और मैं आपको बताता हूँ, स्काई ड्राइवर, आपने स्काई ड्राइवर सुना होगा, जो 15 से 20,000 फीट की ऊंचाई से कूदते हैं. जब वो जंप करते हैं तो कभी कभी होता है कि कभी कभी पैराशूट खुलने में देर भी हो जाती है, ठीक है. और कभी कभी ऐसा भी जब वो जंप करते हैं तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चक्कर आते होंगे थोड़ी देर के लिए, काफ़ी ज़्यादा ऊपर से जब फ्री फॉल जैसा एकदम अजीब सा महसूस होता होगा, तो वो उनके लिए एडवेंचर है, वो उसमें एडवेंचर फील कर रहे हैं. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि यार स्काई डाइविंग करना, आप बोलेंगे तो एक तरीके से आत्महत्या करने जैसा है. भी हो सकता, आप पहले पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे. आप नेगेटिव सोचेंगे, भाई ऊपर से जंप किया, हो सकता है मेरा पैराशूट नहीं खुला, तो जंप किया नहीं उससे पहले पैराशूट नहीं खुला तो, अरे हो सकता है मैं जब ऊपर से जंप करूँ, जंप करते ही ऊंचे से देखने से मेरा हार्ट अटैक हो गया तो, हार्ट फेल हो गया तो. हो सकता है मैं जब लैंड करूँ, लैंड करते मैं वहाँ ऐसी जगह पे लैंड करूँ जहाँ पे बहुत सारे कांटे और सरिया हूँ, वहाँ पे ऐसा हो जाए तो, मतलब उल्टी बात. और उन लोगों ने क्या, स्काई ड्राइवर जो है, जो बहुत बार उस चीज़ को कर चुके हैं, उनके लिए रूटीन टास्क हो चुका, उनको एडवेंचर लगता है, उनको मज़ा आता है उस चीज़ में. तो जब आप किसी चीज़ को, जो नई चीज़ है उसको रूटीन बना लेंगे तो आपके लिए वो रिस्क बचेगी नहीं. जैसे मान लीजिए, और बताता हूँ मैं, जैसे कार ड्राइविंग, जब तक आपको कार ड्राइविंग नहीं आती तो आपको कैसा लगता है कि अरे यार कैसे कार ड्राइविंग करेंगे, और सामने कुछ आ गया एकदम से, ट्रैफिक में कुछ आ गया तो कैसे कार ड्राइविंग करेंगे, कुछ टकरा गया करके, मतलब आपको बहुत रिस्की लगता है वो. लेकिन एक बार जब आप कार चलाना सीख जाते हैं, उसके बाद में आप ये भी नहीं सोचते हैं कि गियर कहाँ पे है, कहाँ पे एक्सेलेटर है, कहाँ पे ब्रेक है. ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस होती है, वो रूटीन टास्क बन जाता है, ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस होती है. आप सामने वाले पास वाले पर्सन से बात भी करते जाते हैं, गाड़ी ड्राइव भी करते जाते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है, आपको पता ही लगता है कैसे गाड़ी चल रही है, ऑटोमेटिक सारे फंक्शन होते रहते हैं. उन्होंने वो क्या है, रूटीन टास्क बन चुका है. जब कोई चीज़ नई चीज़ को रूटीन बना देगा ना, अगर हम रूटीन बना दें उसको, तो फिर वो रिस्क नहीं बचती है. और बताता हूँ मैं आपको, जैसे एरोप्लेन में अगर आप पहली बार एरोप्लेन में बैठते हैं, तो जो व्यक्ति पहली बार एरोप्लेन बैठता है उसको जब एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है वो, तो थोड़ा सा उसको एकदम अजीब सा लगता है यार क्या वो. उसके बाद में जब टेक ऑफ करने के बाद में जब कभी कभी जब हवा का दबाव कम या ज़्यादा होता है तो एरोप्लेन को जैसे नीचे लाया जाता है, ऐसा लगता है जब फ्री फॉल हो रहा तो एकदम अजीब सा फील करता है. फिर जैसे लैंड करता है तब भी कुछ अजीब सा फील होता है. तो उसको पूरे जब पहली बार वो बैठा तो उसको पूरे सफ़र में उसको कभी भी नींद नहीं आएगी, वो सोचेगा एकदम डर सा रहेगा उसके दिमाग में. बट जो व्यक्ति रूटीनली उसके अंदर जाते हैं, उनको देखिए आप, पास वालों को देखिए, वो आराम से हेडफोन लगा कर आराम सो जाएंगे. बिल्कुल एक घंटे के सफ़र, वो दो घंटे का सफ़र पूरे तरह से सोते रहेंगे. उनको पता है ये रूटीन प्रोसेस है एरोप्लेन का, कभी कभी वाइब्रेट होना, ऐसे हिलना, ये सब रूटीन प्रोसेस है. उनको पता है कि ये सब होता है ऐसा, तो उन्होंने मान लिया कि ये रूटीन प्रोसेस है. तो जब आप किसी चीज़ को रूटीन प्रोसेस मान लिए तो फिर रिस्क बची नहीं. और मैं आपको बताता हूँ कि एक तरीके से एक लड़की का माँ बनना, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्क है. बहुत सारे केसेस में, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि केस बिगड़ जाते हैं, उस केस में माँ का जो है, माँ की जान भी चली जाती है. बट फिर भी
हम अगर आपके घर में या फिर पड़ोस में कुछ ऐसा हो गया हो तो फिर भी हम ऐसा नहीं मानते कि हमारे घर में कभी जब नई बहू आएगी तो हम उसको बोलेंगे नहीं नहीं यार ये बहुत बड़ा रिस्की काम है, इसमें तो कभी जान भी जा सकती है यार, ये हम नहीं करेंगे यार, ऐसा नहीं होता। वो उसको उन्होंने मान लिया कि कभी कभी हो जाता है, कुछ केस बिगड़ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में हमारे यहाँ कोई नई संतानों का जन्म ही बंद कर देंगे। होगा, सब कुछ होगा, हमने उसको एक रूटीन टास्क माना हुआ है कि रूटीन प्रोसेस है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, बिगड़ जाते हैं। तो जब आप किसी चीज को रूटीन मान लेते हैं तो फिर रिस्क वहां बचती नहीं, आप उसको एज ए नॉर्मल प्रोसेस करते हैं। जब कोई लड़की माँ भी बनती है तो कभी ऐसा नहीं सोचती बहुत रिस्क है, वो उसको अच्छा फील करती है कि मैं माँ बनने जा रही हूँ, मतलब उसको अच्छी फीलिंग आती है, कभी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है, वो उसको अच्छा सोच के, पूरा अच्छा सोच के सब कुछ करती है। तो जब हम कभी किसी चीज को पॉजिटिव लेते हैं, रूटीन बना लेते हैं, तो फिर वहां पे रिस्क का काम बचता ही नहीं, रूटीन हो गया। कभी मैं आपको बताता हूँ, भारत में बहुत कम मतलब करोड़पति हैं, और उसका कारण क्या है कि वो लोग हैं जिन्होंने रिस्क ली और आगे बढ़ गए हैं, और बचे वो लोग, आजकल भारत में आपने देखा हो बहुत से लोग तो यही बोलते रहते हैं अरे नौकरियाँ नहीं बची यार क्या करें, बिल्कुल बी कर लिया, और बी करने के बाद भी अगर उन्होंने आईटी सेक्टर से बी कर लिया है तो फिर बोलेंगे अरे गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरियाँ निकलती है वो सारे मैकेनिकल वाला, एक तरीके से बहाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बहाना बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार हमारे बाप दादाओं के पास तो पैसा ही नहीं है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये सब एक तरीके से बहाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ बिजनेस बहुत कम पैसों में भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप रिस्क लेना सीखिए, आप रिस्क लीजिए। अगर आप रिस्क लेंगे, एक बार आपने रिस्क ली, दो बार रिस्क ली, तो आप जब रिस्क लेंगे तो आपको फिर वो लगेगा ही नहीं कि रिस्क है, आप उसको रूटीन बना लेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। और अगर आपने अभी तक जो आपने सोचा है बिजनेस स्टार्ट करना है या कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है कुछ भी, तो करिए। अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों में रह जाएंगे आप, 1% जो लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, जो 99% जो बस यही सोचते रहते हैं दिन भर कि अभी टाइम नहीं आया, मैं अगली बार करूँगा, स्टार्ट करूँगा, वो करूँगा, कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते लाइफ में, कभी भी वो स्टार्ट नहीं कर पाते, बस एक कारण के कारण रिस्क, रिस्क है इस काम में, रिस्क है। तो आप आगे बढ़िए, रिस्क से आगे बढ़िए, उसको रूटीन बनाइए, रूटीन प्रोसेस बना लीजिए।